तो मेरा और ज्योतिष का यह मानना है आकलन करने के आधार पर कि यह आंकड़ा 400 के पार तो नहीं जा पाएगा। कोई भी व्यक्ति नेतृत्व तभी कर सकता है जब उसके ऊपर किसी ईश्वरीय अनुकंपा या देवीय अनुकंपा का असर होता है। कांग्रेस राहुल गांधी के फेस पर लगातार प्रचार कर रही है, क्या राजयोग के अभी उनका समय है या कभी समय आएगा ही? क्योंकि मोदी जी की कुंडली में आज है और आने वाले लगभग 2.5 से 3 साल और रहने वाला है। 2.5 से 3 साल, सरकार तो 5 साल चलती है। ममता बनर्जी की कुंडली में तो क्या है, वाणी दोष भी है, सत्ता हावी हो जाती है संगठन पर और कई बार संगठन हावी रहता है, क्योंकि कई लोग शिकायत करते हैं कि साहब बीजेपी जो है वो आरएसएस की बात मानती है। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, राजनीतिक पार्टियां अब लोकसभा चुनावों को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। भाजपा जहां 400 पार का दावा कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता में आने का सपना संजोए बैठी है, तो वहीं छोटी मोटी पार्टियां भी कुछ सीटों को अपने कब्जे में करना चाह रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता में आई थी, तो क्या 3री बार बीजेपी हैट्रिक बनाएगी? क्या नरेंद्र मोदी 3री बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे? ये राजनीतिक पंडित अपने अपने कयास लगा रहे हैं, लेकिन ग्रहों की चाल क्या कहती है? किसके ग्रह भारी हैं, किसके नक्षत्र उनके पक्ष में हैं और किसकी कुंडली अभी उनको राजयोग से दूर रखेगी? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज के हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर अमित व्यास, जो मशहूर ज्योतिषाचार्य हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है द नगरी मीडिया के खास कार्यक्रम में। धन्यवाद अमित जी। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुकी है, ऐसे में सवाल यही, क्या नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे जीत की? देखिए, ये 2024 निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बना हुआ है कि जिस प्रकार से पिछले 2 टेन्योर नरेंद्र मोदी जी ने निकाले और जिस प्रकार के निर्णय तेजी से उनके द्वारा लिए गए और देश में काफ़ी कुछ चीज़ें सुधारात्मक रूप में देखी भी जा रही हैं, तो जनता के मन में कहीं ना कहीं ये भाव तो पैदा होता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी दोबारा से हैट्रिक बनाने की स्थिति में रहेंगे। और ये राजनीतिक पंडितों की दृष्टिकोण से देख लीजिए या मीडिया की तरफ से देख लीजिए या किसी और अन्य प्रकार के संसाधनों से अगर अपन देखते हैं, देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति नेतृत्व तभी कर सकता है जब उसके ऊपर किसी ईश्वरीय अनुकंपा या देवीय अनुकंपा का असर होता है, या फिर ग्रह नक्षत्र निश्चित रूप से हमारे मानव जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अब आपने जैसा प्रश्न किया कि क्या नरेंद्र मोदी जी इस बार हैट्रिक बना पाएंगे, देखिए एक बहुत साफ तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष में 4 बड़े ग्रह होते हैं जिनके राशि परिवर्तन करने से या जिनके विचरण करने से हमारे ज्योतिष में बहुत आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चाहे वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात हो, सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात हो या फिर आर्थिक परिप्रेक्ष्य की बात हो। अब जहाँ तक सवाल है राजनीतिक उठापटक का या राजनीति की जो गलियारों में जिस प्रकार की बातें लोगों के द्वारा कही जा रही है, तो हमारा ऐसा मानना है, एक ज्योतिषी होने के नाते मैंने मोदी जी की कुंडली का जब अध्ययन किया और राहुल गांधी जी की कुंडली का अध्ययन किया, नीतीश कुमार जी की कुंडली का अध्ययन किया और ममता बनर्जी की कुंडली का भी अध्ययन किया, अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली का अध्ययन किया, तो इन 4-5 व्यक्तियों की कुंडलियाँ देखने के बाद ऐसा देखने में आया है कि मोदी जी की कुंडली के जो ग्रहों की स्थिति है, विशेष रूप से मंगल की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति और सूर्य की स्थिति इतनी प्रबल है जिसके परिणाम स्वरूप उनके नेतृत्व करने का जो गुणधर्म है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी वो अपनी पहचान बनाने में सफल हुए हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा कि एक तो प्रचंड बहुमत से सरकार बनी तो निर्णय लेने में उन्हें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। दूसरी बात ये कि कोई भी व्यक्ति जब निर्णय लेने की क्षमता स्वयं के आधार पर लेता है तो ये मान के चलिए कि मंगल कहीं ना कहीं आपको पूरा साहसिक रूप से ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो मंगल की वजह से, सूर्य की वजह से कहीं ना कहीं ग्रहों की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के फेवर में जा रही है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या ये जो हैट्रिक है वो संख्या के आधार पर कितनी हो पाएगी, क्योंकि पिछली बार की जो संख्या बल था
और अब के बार का जो संख्या बल सोशल मीडिया के थ्रू या राजनीतिक पंडितों के द्वारा जो बात कही जा रही है, यहाँ तक कि बीजेपी खुद भी दावा कर रही है, बाकी मेरा ऐसा कहना है कि 1 मई के बाद ग्रहों में खासतौर पर बृहस्पति का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं बीजेपी की इन अपेक्षाओं पर थोड़ा सा चोट पहुंचाएगा, क्योंकि बृहस्पति का जब प्लेसमेंट चेंज होगा तो कहीं ना कहीं जो कार्य मोदी जी के द्वारा किए गए या मोदी जी की टीम के द्वारा किए गए उनमें से कुछ ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कुछ यश या अपयश को लेकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं उनकी सीटों के संख्या बल में कहीं ना कहीं उनको कम करता है। चूँकि सभी लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं, विशेष रूप से राजनीतिक पंडित, वो कह रहे हैं कि 400 के पार, और खुद मोदी जी भी इस बात की घोषणा कर चुके हैं। रही बात अन्य पार्टियों के गठबंधन की कह लीजिए या अन्य प्रकार के जितने भी अन्य नेता हैं, चाहे वो लोकदल के हैं, सपा है, बसपा है या और अन्य जो पार्टियां हैं, क्या वो अपना परचम फहराने में सफल होंगी? देखिए सीधी सी बात है, जो छोटी पूंजी धनी न खावे, यानी जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने में ही सफल हो पाएंगी, न कि किसी भी रूप में प्रधानमंत्री के पद के लिए वो दावेदारी कर पाएंगे। तो ऐसे सभी ग्रहों की चालों के आधार पर विशेष रूप से 1 मई से लेके और अक्टूबर का जो समय रहेगा वो बृहस्पति के राशि परिवर्तन की वजह से कई पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा बनेगा, वहीं बीजेपी की जो अपेक्षाएँ हैं उसको भी थोड़ा बहुत कम करेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ज्योतिषीय आकलन का सवाल है तो बीजेपी अपने दम पर लगभग 365 से लेके और 375 के बीच में वो अपनी सीट की दावेदारी करने में सफल होगी, और अगर वो अलायंस के साथ जाती है तो वो आंकड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 395 तक या 98 तक जाके अटकेगा। तो मेरा और ज्योतिष का यह मानना है आकलन करने के आधार पर कि यह आंकड़ा 400 के पार तो नहीं जा पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जिस प्रकार के कयास राजनीतिक पंडित और ज्योतिष के आधार पर लगाए जा रहे हैं उसमें जो संख्या का जो ऊपर नीचे होने का मामला है वो बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ लोग बाग पार्टियां चेंज कर आ रहे हैं, हो सकता है कि जो छोटे छोटे निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं इसकी बीजेपी के साथ में अलायंस करके अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आंकड़ा 400 के पार भी जा सकता है। लेकिन अगर ज्योतिष की गणना के आधार पर बात करते हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पार्टियां अलायंस का रोल प्ले कर रही हैं और बीजेपी की जो अपनी खुद की स्थिति है, उस आधार पर 390 से और 395 के बीच में दोनों की मिलाकर ही सरकार बनने की स्थिति बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ज्योतिष और ग्रहों की गणना ये इंगित कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी 100% हैट्रिक लगाने में सफल होंगे। वो अलग बात है कि इस आंकड़ेबाजी में वो कितनी सीटें लूज कर पाते हैं और कितनी गेन कर पाते हैं, ये समय और परिस्थितियां बताएंगी। सर, आपने नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की यहाँ पर बात की है, राजयोग अभी भी उनकी हस्त रेखाओं में छिपा हुआ है, राहुल गांधी कांग्रेस राहुल गांधी के फेस पर लगातार प्रचार कर रही है, क्या राजयोग के अभी उनका समय है या कभी समय आएगा ही नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, राहुल गांधी जी की कुंडली का अगर व्यक्तिगत रूप से अवलोकन किया जाए तो वो उनके जन्म से लेकर और आज तक का जो सफ़र रहा वो एक लग्जरियस लाइफ वाला रहा, क्योंकि उनकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जिसकी वजह से उनको पलक पावणों के रूप में रखा गया। लेकिन जब उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नापते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसमें इसलिए असफल रहे क्योंकि सूर्य की पोजिशन ठीक नहीं है और राहु की पोजिशन की जो स्थिति है वो भी उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनना वाला जो प्रश्न आपने किया वो मैं बिल्कुल एक सिरे से आपको नकारने की बात कर सकता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी व्यक्तिगत तौर पर या प्रशासनिक तौर पर तो एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो एक राजनीति की धरा पे होने के बाद में और प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचने के लिए उन्हें राहु का और शनि का सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि उनकी कुंडली में दिखलाई नहीं पड़ रहा है, तो जिसका परिणाम ये है कि वो राजा तो नहीं है लेकिन राजा जैसा जीवन जीने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि राजा बनने के लिए आपकी कुंडली में बृहस्पति का और राहु का सपोर्ट में होना जरूरी है, जो कि मोदी जी की कुंडली में साफ स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। सर, मैंने आपका एक विशेष आलेख पढ़ा, उसमें नीतीश कुमार की जो कुंडली है उसका भी आपने अध्ययन किया है, वो पावर में है लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो राजनीतिक सत्ता का सुख है वो नहीं भोग पा रहे हैं,
देखिए, राजनीतिक सत्ता का सुख भोगने के लिए बृहस्पति का सपोर्ट में होना जरूरी है। पद प्राप्त हो जाए वो एक अलग बात होती है और पद का लाभ मिल जाए वो एक अलग बात होती है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक गलियारों में वो अपने सूर्य और बृहस्पति के अच्छे होने की वजह से जरूर राजनीति में चर्चाओं में रहेंगे, लेकिन जहाँ तक सवाल है उच्च पद की प्राप्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में हो, या किसी केंद्रीय मंत्री के रूप में हो, तो ठीक है कि वो उस पद तक पहुँचने में असफल इसलिए साबित होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में राहु मंगल का जो अंगारे का योग है वो कहीं ना कहीं उन्हें एग्रेसिव या इमोशनल डिसीजन मेकिंग करने की ओर अग्रसर करता है, जिसकी वजह से वो यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो अपना व्यक्तिगत वजूद किस स्थिति में बना पाएंगे, एक पार्टी के रूप में या किसी अलायंस पार्टी के रूप में बनकर। क्योंकि जिस प्रकार का राजनीतिक ध्रुवीकरण पिछली बार से देखने को मिला कि कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर जो है वो भानुमति ने अपना कुनवा जोड़ा वाली बात लागू होती है, लेकिन जब से मेजोरिटी में सरकारें की बात की जाने लगी है या बड़े बड़े जो निर्णय लिए गए हैं वो तभी लिए जा सकते हैं जब आपकी मेजोरिटी जो है वो 300 से ऊपर का आंकड़ा हो। और बीजेपी ने जिस प्रकार से बिगुल बजाकर और अपने कार्यों को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं मोदी जी का नेतृत्व मंगल के ग्रहों की वजह से और सूर्य की प्रभावशीलता की वजह से वो सफलतापूर्वक संचालित करने में सफल भी हो रहे हैं। और इन सभी जिन लोगों के बारे में राजनीतिक पंडित बोलते हैं कि नीतीश कुमार बन सकते हैं या अरविंद केजरीवाल जी बन सकते हैं, इन चारों पांचों की कुंडली का अध्ययन करके मैंने यही पाया कि सबकी कुंडली में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एक सफल नेतृत्व करने के लिए और एक लंबा राजनीतिक सफर तय करने के लिए और उच्च पद प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं शनि का, राहु का और बृहस्पति का फेवर में होना जरूरी है, जो कि मोदी जी की कुंडली में आज है और आने वाले लगभग 2.5 से 3 साल और रहने वाला है। 2.5 से 3 साल, सरकार तो 5 साल चलती है। वो आपने अच्छा फिर प्रश्न किया। देखिए क्या होता है कि नेतृत्व करने के लिए पावर का प्रेजेंटेशन करना जरूरी होता है, और अगर आपके पास में पावर प्रेजेंटेशन आपने 2.5 साल में कर दिया तो कई बार बिजली चली जाती तो बैकअप प्लान पर भी कई बार आदमी काम कर लेता है। तो कई बार क्या होता है कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसके धार से या उसकी उपस्थिति से कहीं ना कहीं क्या होता है, जंगल में उसका जो प्रजातांत्रिक जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं बना रहता है। तो ग्रहों के आधार पर तो 2.5 से 3 साल तक उनका प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनके कुछ निर्णय ऐसे रहें जो शायद उनके अस्तित्व को तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी प्रभावशीलता में थोड़ा बहुत कमी लाएगा, तो जो देश के लिए तो कई मामलों में हो सकता है कि अच्छा रहे और हो सकता है कि कई मामलों में बुरा भी रहे। तो ये तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि का प्रश्न है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये मानता हूँ कि आज का जो समय है 2024 वो कहीं ना कहीं हैट्रिक बनाने की ओर अग्रसर है, ऐसा ग्रहों की गणना बोलती है। अरविंद केजरीवाल का आपने यहाँ जिक्र किया, दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी, ये दो बड़े नाम हैं, क्या ये इन राज्यों से बाहर निकल पाएंगे, उनकी कुंडलियों की दशा क्या कहती है? देखिए आपने जो प्रश्न किया अगर उसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तब तो क्या है कि कोई व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं को ध्यान में रखकर राजनीति करता है तो वो केवल उस क्षेत्र तक ही सीमित हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब अपन बात करते हैं किसी नेतृत्व की या आमूलचूल नेतृत्व करने की, तो उसके लिए प्रधानमंत्री पद के तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से उभर के आना पड़ता है, यानी आपको जातीय बंधनों से दूर रहना पड़ता है, खासतौर पर आपको क्षेत्रवाद, परिवारवाद, ये इस प्रकार की कई प्रकार की जो विसंगतियां राजनीति में देखने को मिलती थी उन्हीं का परिणाम है कि ये लोग बाग एक सीमित दायरे में ही अपनी राजनीति कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार को हिंदुस्तान की राजनीति में या ममता बनर्जी का नाम हिंदुस्तान की राजनीति में एक मुख्य पटल पर देखा जाता है, लेकिन जब वो राजनीति करते हैं या उनका जो प्रभाव हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में देखा जाता है तो उनकी दोनों की ही कुंडलियों में कहीं ना कहीं सूर्य की प्रभावशीलता और बृहस्पति की प्रभावशीलता इतनी अच्छी नहीं है। और चूंकि ममता बनर्जी की कुंडली में तो क्या है, वाणी दोष भी है, तो कई बार क्या होता है कि वो अच्छे कार्यों को करने के बावजूद भी अपनी वाणी के माध्यम से इस प्रकार की गतिविधियों को रचित कर देती हैं, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छा करैक्टर होने के बावजूद भी बुरे करैक्टर के रूप में सामने प्रस्तुत होती है। तो कई बार क्या होता है कि आपका वाणी दोष, आपकी नेतृत्व करने की क्षमता और खास तौर पर राजनीतिक समझ, ये तीन बातें हैं जो राजनीति के लंबे सफर के लिए आवश्यक होती हैं। और राजनीति को या आर्थिक देश की आर्थिक स्थिति को तभी संभाला जा सकता है जब आपके पास कुशल नेतृत्व हो। और मेरा ऐसा मानना है कि ज्योतिष में एक साफ कहा गया है कि सूर्य जिस प्रकार सभी ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है ठीक वैसे ही आपकी कुंडली में सूर्य की प्रधानता का होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि लोग आते हैं और चले जाते हैं, ऐसी राजनीति तो निश्चित रूप से ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। लेकिन जिन राजनीतिक विशेषज्ञों को या राजनीतिज्ञों को अगर आने वाले समय के लिए भी याद किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका सूर्य बहुत अच्छा होना चाहिए। और मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ ऐसे राजनेता भी हैं जिनकी कुंडली में केतु की वजह से भी उन्हें इस प्रकार का चमत्कारिक नाम मिला, लेकिन वो केतु वाला जो करेक्टर है वो है नेगेटिव करेक्टर। चाहे वो हिटलर की बात कर लीजिए, ये सब तानाशाह प्रवृत्ति के रूप में था, लेकिन उस समय पर उस देश के लिए कहीं ना कहीं हिटलर अच्छा रहा होगा, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी कार्यशैली अगर हिंदुस्तान की राजनीति से देखी जाती है तो केतु निश्चित रूप से आपको लॉन्ग टर्म तक याद तो कर सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव करेक्टर के रूप में है या नेगेटिव करेक्टर के रूप में, ये परिस्थितियों में निर्भर करता है। बिल्कुल, यहाँ पर पूरे देश की लोकसभा चुनाव की राजनीति की हमने बात की, नरेंद्र मोदी की कुंडली, राहुल गांधी की कुंडली, राजस्थान की राजनीति की कुंडली की बात हो जाए, 25 सीटें पिछले 10 सालों से बीजेपी के झोली में जाके गिर रही हैं, इस बार क्या ज्योतिषीय समीकरण बनेंगे? ज्योतिषीय समीकरण के आधार पर देखिए, अगर यहाँ के राजनीतिक हलके की बात की जाती है तो यहाँ जो नेतृत्व बीजेपी को जिस व्यक्ति के कंधों पर दिया गया है उसके ग्रहों के अच्छा होना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि जब बड़े रूप में बात की जाती है लोकसभा के स्तर पर तो बड़े नेता का चेहरा होता है, बिल्कुल, और जब छोटे प्रदेश की या यूं कह लीजिए कि प्रादेशिक स्तर पर अपन बात करते हैं तो वहाँ पर उस संबंधित संगठन का नेता कौन है। देखिए सत्ता और संगठन में समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार सत्ता हावी हो जाती है संगठन पर और कई बार संगठन हावी रहता है, क्योंकि कई लोग शिकायत करते हैं कि साहब बीजेपी जो है वो आरएसएस की बात मानती है, तो आरएसएस तो चूंकि एक संगठन के रूप में है, तो ठीक वैसी क्या राजस्थान में भी वही स्थितियां हैं, और इस सत्ता और संगठन के बीच में कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव पाया जाएगा राजस्थान में, जिसकी वजह से 25 सीटों पर तो नहीं लगभग 22 सीटों पर जो जीत है वो बीजेपी के खाते में जाने वाली है। और जो 3 सीटों का जो नुकसान हमें दिखलाई पड़ रहा है उसका बहुत बड़ा कारण है कि राजस्थान की जो, देखिए क्या होता है कि हर प्रदेश की कुंडली होती है कि वो कब अस्तित्व में आया, जैसे हिंदुस्तान की जो कुंडली है वो 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे का टाइम है, तो उस समय पर जो कुंडली बनी थी वो कालसर्प की कुंडली थी, और आज 75 साल से भी आसपास होने जा रहे हैं, उस स्थिति में भी कहीं देखने को मिला कि साहब हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी तो जनसंख्या के आधार पर, कभी हमारे पास में संसाधनों की कमी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक समय के बाद में ग्रहों का प्रभाव जो है वो जब पॉजिटिव होता है तो कुछ समय बाद में वो नेगेटिव होने लग जाता है, और कुछ समय तक जब वो नेगेटिव रहता है तो कहीं ना कहीं जैसे पृथ्वी गोल है ऐसे ही ग्रहों का चक्र होता है कि जो ग्रह पहले नेगेटिव होते हैं वो बाद में पॉजिटिव हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में जो 3 सीटें जो कि राजनीतिक पंडित बोल रहे हैं कि 25 सीटें आएंगी, मेरा ज्योतिषी गणना कहती है कि 22 सीटें ही वो ले पाएगी, और वो 3 सीटें अगर नुकसान होता है तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं जो मोदी फैक्टर कह लीजिए या कह लीजिए कि मोदी जी की कुंडली के ग्रहों का प्रभाव राजस्थान में जो है वो कहीं ना कहीं कम मिलेगा। हालांकि अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं साहब ERCP की योजना लागू कर दी, देखिए वो एक राजनीतिक मैटर है। मैं एक ज्योतिषी होने के नाते आपसे बताना चाहूंगा कि कई बार व्यक्ति विशेष की जो इमेज होती है वो काम करती है, और कई बार नेतृत्व का जो चेहरा होता है वो काम करता है। वो जो MP के पद के लिए लड़ेगा उसका अपनी व्यक्तिगत छवि क्या है, और मोदी जी की छवि के साथ में अगर वो मैचअप हो रहा होगा तब तो वो जीत जाएगा, और उन दोनों में कहीं डिफरेंस हुआ तो कहीं ना कहीं उसको हार का सामना करना पड़ेगा। तो जो मैं मान के चल रहा हूँ, अभी हालांकि पूरी टिकटों का वितरण नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक नामों का डिस्क्लोज नहीं हो जाएगा तब तक हम एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि ये जीतेगा या हारेगा, लेकिन एक एज ए होल देखते हैं कि 25 सीटों में से कांग्रेस को कितनी मिलनी है, बीजेपी को कितनी मिलनी है, तो ये मान के चलो कि कांग्रेस को शायद हो सकता है 1 ही सीट मिले, और बाकी की जो 2 सीटें हैं वो किसी निर्दलीय को भी मिल सकती है, किसी अन्य पार्टी को भी मिल सकती है, लेकिन 22 सीटें कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस सॉरी बीजेपी के ही खाते में जाने वाली है। आपकी ये बातें सुन के राजस्थान का पूरा मैप है वो मेरे दिमाग में घूम रहा है, और उस मैप पर 3 जगहों के मेरे नाम क्लिक हो रहे हैं, पहला चूरू, एक बांसवाड़ा और एक नागौर, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा है कि आप जो बात प्रश्न कर रहे हो वो एक राजनीतिक दृष्टिकोण वाला मामला हो गया। मैं एक ज्योतिषी होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इलाके रहे हैं हो सकता है कि वहाँ पर जो भी MP के लिए वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी जो छवि रहेगी वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि मैंने देखा है कि राजस्थान के अंदर ज़्यादातर कई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर
बड़े चेहरों का नाम नहीं चलता है बल्कि छोटा चेहरा ही वहां से जीत जाता है। तो कई बार हनुमान वैली का नाम, मैनीवाल का नाम जो सुना है, अगर उसकी कुंडली देखी जाए तो उसको राजनीति में रहना है बहुत साल तक। अब वो राजनीति में अगर चल रहे हैं तो शायद चाहे वो जाति के आधार पर चल रहे हैं या वहां अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए चल रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता। मगर मैं ये जानता हूं कि अगले के ग्रह अच्छे हैं इसलिए ही सर्वाइविंग देयर। तो कहीं ना कहीं ये जो तीन जो आपने बताए ये तो राजनीतिक मामला है, एस्ट्रोलॉजिकली मैंने, तुमने तो तीन उसको कैलकुलेट कर दिया। मैं उसको जस्टिफाइड तभी कर सकता हूँ जब मेरे सामने पूरे 25 जो जिले हैं उनसे MPs के नाम आएंगे तो मैं बता सकता हूँ कि ये व्यक्ति। अब चूंकि उसमें कौन से जिले में हारेंगे कौन से नहीं, ये तो तभी नाम पता पड़ेगा ना कि जब कैलकुलेशन किया जाएगा। कैलकुलेशन किया जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर हम बात कर रहे थे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अमित व्यास जी से और इन्होंने बता दिया है कि BJP जहां 400 सीटों का दावा कर रही है लेकिन ग्रह के कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि BJP 400 सीटों तक नहीं पहुंच रही है, तो वहीं राहुल गांधी का राजनीति का सिरमौर बनने का सपना कोसों दूर नजर आ रहा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की राहें भी कांटों से भरी हुई रहेगी। तो वहीं राजस्थान में 10 सालों से BJP जो परचम लहरा रही है इस बार थोड़ा सा उनको पीछे रहना पड़ सकता है। ज्योतिष की चाल के बारे में हमने जाना, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, प्रदेश की जनता के मन में यही सवाल है कि क्या एक बार फिर से 25 की 25 सीटें राजस्थान की BJP की झोली में जाएंगी, क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर हैट्रिक जमाएंगे, क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा का फैक्टर कुछ असर डालेगा। इन तमाम सवालों के जवाब लेने की हमने कोशिश की है और हमारे दर्शक हैं उनको ज्योतिष के माध्यम से बताया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट लेगी और कितनी दमदार होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी नगरी।